नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में रीवा के एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल न करने से रीवा की जनता हुई नाराज। इसी सिलसिले में युवा एकता परिषद ने रीवा के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा जिले के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में किसी को शामिल नहीं किया गया है। इस बात से नाराज युवा एकता परिषद के युवाओं ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि रीवा जिले से किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिससे रीवा की उपेक्षा ना हो। रीवा से हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। मांग तो पूरे प्रदेश करी ना, पूरे प्रदेश के हर विधायक की मांग करने लगे उनका समर्थक जी। तो मैंने क्या बताया किसी को नहीं, बिल्कुल किसी के लिए नहीं करना चाहिए। पार्टी जो तय करेगी वो हो जाएगा। पार्टी करी लेकिन जनता जिता की भेजी, जनता से कुछ अपन अपेक्षा, जनता की अपेक्षा। जब राजेंद्र शुक्ला मंत्री नहीं रहे तो पहले काम भाई पास विधायक जी, पहला काम विधायक में ही हुआ है भाई पास का। मध्य प्रदेश सरकार में 2 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिसमें हमारे रीवा से 8 विधायक बीजेपी के चुनाव जीत के गए थे। हमारे रीवा क्षेत्र की जनता को बहुत आशा थी कि मध्य प्रदेश में हमारे भी नेता को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, मगर यहां से किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। जैसे हमारे पूर्व में राजेंद्र शुक्ला जी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे, तो रीवा का विकास मध्य प्रदेश में कहता था कि कोई यहाँ का मंत्री है। इसलिए हम लोग सांसद जी के यहाँ आए थे कि हमारे रीवा के राजेंद्र शुक्ला जी को पुनः मंत्री बनाया जाए। ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से माननीय सांसद रीवा को दिया है कि रीवा में लोकसभा की सीट भी जीती गई और 8 विधानसभा सीट जीती गई। अब विंध्य क्षेत्र में 30 सीटों से 24 सीट बीजेपी की झोली ली गई। इसी के संबंध में हम युवाओं ने यह मांग की कि हम लोगों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट बना, जिसमें हम लोगों की आशा थी कि रीवा के युवाओं को अगर कोई मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करेगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो भी नहीं, ये आप लोगों की भूल है। ये एज यू रूल्स अपने यहाँ के लोगों को ही पहले रोजगार देना था, किंतु तो इन्होंने नहीं दिया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि जिस क्षेत्र में जो भी उद्योग स्थापित होगा वहाँ के लोगों को पहले नौकरी में रखना है। इसके लिए आपको अलग प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना। आज तक जो है किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। अब मध्य प्रदेश सरकार में हमारे रीवा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसी के उसमें हम लोग मांग किए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सांसद जी के माध्यम से कि हमारे रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी को पुनः मंत्री बनाया जाए।